चैनल पर जल्दी एक नया सीरियल शुरू होने वाला है। सीरियल का नाम है पहरेदार पिया की। जी हाँ, हालांकि इसके जो प्रोमोज हैं वो लगातार ऑन एयर हो रहे हैं और आपने प्रोमोज में देखा होगा एक 18 साल की बच्ची की जो शादी है वो हो जाती है एक 9 साल के बच्चे के साथ। काफी यूनिक कंसेप्ट के साथ ये सीरियल जल्दी ही ऑन एयर होने वाला है और शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस का ये नया शो है। शशि सुमित प्रोडक्शन का एक नया शो पहरेदार पिया की, जो कि राजस्थान रॉयल घराने की कहानी है। ये शो 17 जुलाई से ऑन एयर होने वाला है। इससे पहले भी शशि सुमित प्रोडक्शन शो दिया और बात ही हम दिल से दिल तक जैसे शो को प्रोड्यूस कर चुका है। शो बहुत अच्छा है, थोड़ा मैं कह सकता हूँ वाकई हटके है। जस्टिफाई कर रहा है हमारा पोस्टर भी। कहानी बहुत यूनिक है, कहानी के बारे में मैं कहूँगा, शशि बताएगी बेटर रहेगा। शो को एक अलग लेवल पे हम बनाना चाहते थे जिसमें जो लिखा है उससे कई गुना बढ़ के ऑडियंस के सामने आए। और चूंकि रॉयल फैमिली की कहानी की हम बात कर रहे हैं और कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे हैं, सो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसको वो लुक और ग्रेंजर देने में, और उसमें हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसमें परफॉर्मेंसेस से लेके एग्जीक्यूशन से लेके हर चीज़ इतनी अच्छी है कि वो ऑडियंस का दिल 100% लुभाएगी, मेरा विश्वास है। एंड शशि हैज़ क्रिएटेड द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। आई वुड लाइक टू आस्क हर टू टेल द कैरेक्टर्स। खम्मा घणी, जैसा शो है हम वैसी बात करते हैं। तो राजस्थान की कहानी तो हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट करती ही थी और इस कहानी का श्रेय मैं बहुत हद तक स्वाति को देना चाहूँगी, क्योंकि ये कहानी जब हमने बनाई थी तब इसका रूप जितना छोटा था और फिर करते करते किरदार, क्योंकि इसके ये हमको खुद को इतना अच्छा लग रहा था कि एक ऐसी लड़की आज के टाइम की जिस पे कोई बर्डन नहीं है, जिससे कहा नहीं गया है कि तुझे ये करना है, ये रिवाज है, ये प्रथा है, ये कुछ नहीं है। शी इज टूडेज गर्ल जिसकी अपनी परवरिश है, जिसके अपने उसूल हैं, अपने संस्कार हैं और उनके चलते उसका अपना डिसीजन है जो वो अपनी अच्छाई की वजह से ले पाती है। तो हम दोनों को कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उस तरह से ये कहानी नेक नया रूप लिया। रतन का किरदार और इस शो में दिखाए गए जितने भी लोग हैं उन सब पे हमने पर्सनली रिसर्च की। ये रॉयल बैकग्राउंड को जितना हम जानते नहीं थे हमने उनके बारे में जाना, रिसर्च वगैरह की। हमारे सेट पे एक बंदा हमने रखा था स्पेशली इसीलिए, जो इन सारे रीत रिवाजों को जानता था और उसने उस तरह से हमें मदद की। तो कुल मिला के बहुत प्यार और मेहनत से सब किरदार कहानी लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। ये कहानी एक 18 साल की लड़की की, जिसकी शादी 9 साल के एक बच्चे से हो जाती है, जो उसकी रक्षा करती है उसके दुश्मनों से। वो बहुत ही, शी इज वेरी इनोसेंट, शी इज वेरी मस्तीखोर। वो बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, बहुत बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, बहुत जल्दी रो भी देती है। बट एट द सेम टाइम जब सब कोई घर के बड़े बड़े हार मान लेते हैं और डर जाते हैं, दैट्स व्हेन शी इज़ द वन हु टेक्स चार्ज एंड या सरप्राइजेज एवरीबडी। तो व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिया, दैट्स व्हेन शी शाइन्स द ब्राइटेस्ट। तो इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एंड वेरी फन लविंग। सो यू माइट एक्चुअली जस्ट एंड अप फाइंडिंग हर वेरी क्यूट, स्पेशली माई रिलेशनशिप विद रतन वेरी क्यूट। वी हैव वेरी स्वीट मोमेंट्स टुगेदर एंड या इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग आवर सीन्स टुगेदर। इस सीरियल में लीड रोल निभा रही है तेजस्विनी, जो बनी है दिया, जो इस सीरियल में एक राजपूत का किरदार निभा रही है। जब भी आप सब ने भी हमारा ये शो या ये प्रोमो देखा होगा तो आपने भी एक सेकंड लुक तो दिया ही होगा कि मतलब है ये क्या प्रोमो है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सवाल पूछा गया इस शो के बारे में तो मैंने भी ऐसे दूसरी बार पूछा कि क्या
दस साल के बच्चे से लाइक तो लाइक हाँ, तो जो एक सेकंड ग्लांस दिया, जो मैंने भी दिया और ऑडियंसेस में सबने दिया, आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी बिकॉज शो बहुत ही अलग है, जो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई शो बना है. और मेरे लिए एज अ कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर प्ले करना, और या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना, तो इसीलिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, विच इज़ व्हाई आई चोज इट. दिया के पति का किरदार निभा रहे हैं 9 साल के अफान खान, जो कि बने हैं राजा रतन हर्षवर्धन सिंह. जी हाँ, वो आपको इसी भूमिका में नजर आएंगे. जो किरदार है मेरा, जिसका नाम है, वो है रतन मान सिंह. मैं 9 साल के बच्चे का किरदार का रोल निभा रहा हूँ, और मैं वारिस हूँ, है एक हेरिटेज होटल का. और कास्टिंग कैसे ली थी? मैंने बेहद में काम किया है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स और जो कास्टिंग वाले लोग थे, उन्होंने सोचा इसे कास्ट करते हैं, और फिर मैंने ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली मैं सिलेक्ट हो गया. दिया के साथ में बॉन्डिंग किस तरह की है सेट पे देखा जाता है? कितना मस्ती करते हैं? हम लोग ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बहुत मस्ती करते रहते हैं, झगड़े भी बहुत करते हैं, और ऑफ स्क्रीन हम लोग केवीसी खेलते हैं, और मैं मिस्टर बच्चन बन के हॉय हॉय करके क्वेश्चंस पूछता हूँ. इस फिल्म में परिवार के रूप में आपको नजर आएंगे परमीत सेठी, किशोरी सहाने, भुवन सिंह, अंजलि गुप्ता, मीनू पंचाल, सिमरन नाटेकर और राहुल त्यागी. पहरेदार पिया की शो ये जल्द ही 17 जुलाई से सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला है. ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1, मुंबई.